ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अभी भी जो सरकारी सेवक हैं वो आंदोलन करने के मूड में हैं, लेकिन उनके आंदोलन के प्रयासों के बीच, लंबे समय से वो डिमांड कर रहे हैं, उनकी मांगों के बीच राज्य सरकार ने एक नया स्कीम लागू कर दिया। राज्य सरकार के इस फैसले से जहां कई सरकारी संगठनों में काम करने वाले लोग हैं वो नाराज हैं, तो सियासत भी खूब हो रही है। सियासत करने वाले लोगों का मानना है कि देश के अंदर जो लोग पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे उन लोगों की डिमांड तो पूरी ही नहीं हुई है। तब तक सरकार ने जो स्कीम लाई है इससे नुकसान ही होना है। ओपीएस की डिमांड कर रहे थे और इधर केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपको ओपीएस नहीं बल्कि यूपीएस देंगे। अब जैसे ही सरकार ने फैसला लिया कि सोशल मीडिया पर यूजर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, यूजर्स का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम ही सही है। कई सरकारी महकमे में काम करने वाले लोग अभियान चला रहे हैं, पुरानी पेंशन नीति की डिमांड की जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र से खबर निकल कर ये सामने आई कि जहां केंद्र सरकार के इस एजेंडे को कई राज्यों में विरोध झेलना पड़ रहा है, तो दूसरे तरफ महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले केंद्र सरकार के नया जो कानून जो व्यवस्था है उसको अपने यहाँ लागू कर दिया, लागू करने का ऐलान कर दिया कि सबसे पहले यूपीएस जो है उनके राज्य में लोगों को मिलेगा फायदा। अब सवाल ये है कि आखिर सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद क्यों चल रहा है और यूपीएस लगने का फायदा क्या होगा। देखिए, यूपीएस में कहा जा रहा है कि जो लोग रिटायर होंगे उनमें कम से कम 25 साल जो लोग का सेवा दे पाएंगे उनको जो है उनके वेतन से कुछ हिस्सा जो है वो मिलेगा। पहले यह स्कीम नहीं थी, बाद में इसे बंद करने की बात कही गई। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश भर में लंबे समय से प्रदर्शन होते रहा है, लेकिन अब जो केंद्र सरकार का फैसला है जिसे लेकर विपक्ष के पार्टियों का नेताओं जो नेता है वो अलग अलग बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ खड़े हैं, लेकिन केंद्र सरकार विपक्ष के लगातार सवाल उठाए जाने के बाद जो आंदोलनकारी थे उनकी डिमांडों को देखते हुए और 2024 के चुनाव में जिसे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया उसका काट निकालने के लिए वैकल्पिक तौर पर एक नई स्कीम लाकर सरकार ने उन लोगों को एक झटका देने की कोशिश की थी, लेकिन यूपीएस लागू करने के साथ ही अब बवाल भी शुरू हो गया है। खैर, महाराष्ट्र के अंदर जो बातें हुई उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर केंद्र सरकार से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस आते ही महाराष्ट्र की महायुक्ति सरकार ने इसे लागू करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया जो कर्मचारियों के लिए इसे लागू करेगा। रविवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लग गई। इसके अलावा कैबिनेट में 18 अन्य फैसले जो हुए उसमें चुनाव से लेकर सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने वाले फैसले थे। आपको बता दें कि यूपीएस में न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी कर रिटायर करने वाले पर अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। इसके दायरे में एक जो दायरे हैं वो 1 जनवरी 2024 के बाद एनपीएस में पंजीकृत सभी कर्मचारी आएंगे। जो इसका दायरा है उसमें वो तमाम कर्मचारी आएंगे जो 1 जनवरी 2004 के बाद से एनपीएस में पंजीकृत किए गए हों। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस बीच भारतीय मजदूर संघ और ऑल इंडिया फाउंडेशन ने यूपीए लागू करने का स्वागत किया। कई लोगों ने स्वागत किया तो ज्यादातर लोगों ने इसका विरोध किया है। अब कांग्रेस ने कहा है कि सरकार का यह यू टर्न है, ओपीएस पर क्या किया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष यूपीएस को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे, उन्होंने कहा कि यूपीएस में यू मतलब सरकार का यू टर्न है, जबकि 4 जून के बाद सत्ता के अहंकार पर जनशक्ति हावी है। वही भाजपा ने पुरानी पेंशन नीति और नई व्यवस्था पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।